also there are talks about the special song in Ram Leela. Is it confirmed, not confirmed? It's something I can't speak about. But you're not going to deny it also. I'm not talking about it. I can't say anything about it. I can't say anything about it. Suna aapne, Priyanka Chopra Ram Leela mein item number karne ki news ko na to accept kar rahi hain aur na hi inkaar. Zoom ne aapko kuch dino pehle hi bataya tha ki Priyanka hi Sanjay Leela Bhansali ki film Ram Leela mein item number karenge. Aur ye khabar puri tarah se sach bhi hai. Lekin Priyanka abhi bhi is news ko under wraps rakhna chahti hai. I'm not talking about it. I can't say anything about it. लव की घंटी बजाते हुए रणबीर कपूर अब फिल्म बेशर्म के एक सॉन्ग में अपने मॉम एंड डैड के साथ भी डांस करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, जूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि अभिनव काश्यप ने फिल्म बेशर्म के लिए एक स्पेशल सॉन्ग शूट किया है जिसमें रणबीर कपूर, ऋषि कपूर और नीतू कपूर नजर आने वाले है। साथ ही इस सॉन्ग को गाने वाले है ब्रदर डुओ दलेर मेहंदी और मिका सिंह। नरगिस फाखरी उदय चोपड़ा के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर पूछे गए सवालों को हमेशा रूमर का नाम दे दिया है। लेकिन रह रहकर इन दोनों स्टार्स की साथ में आने वाली पिक्चर्स और वीडियोस दूसरी ही तरफ इशारा करती है। रिसेंटली जॉन इब्राहिम ने अपनी फिल्म मद्रास कैफे की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी और फिल्म की एक्ट्रेस होने के नाते वहां नरगिस फाखरी भी मौजूद थे। लेकिन जूम के कैमरा ने यहां एक स्पेशल शख्स को भी स्पॉट किया। जी हाँ, वो और कोई नहीं उदय चोपड़ा थे जो की मीडिया की कैमरा से नजर बचाकर इस स्क्रीनिंग पर पहुंचे थे। वेल, अब क्या नरगिस इन विजुअल्स को देखने के बाद भी इस सीक्रेट मूवी डेट की खबरों से इनकार करेंगे? माही गिल को आपने चाहे साहेब बीवी और गैंगस्टर या पान सिंह तोमर या फिर कुलाल जिस फिल्म में भी देखा है, माही गिल यूजुअली इंडियन अवतार में ही नजर आई है और इसी तरह के रोल्स को लेकर माही गिल जरा परेशान हो गई है क्योंकि अब हर कोई माही के पास सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रोल लेकर आता है। साड़ीज में जी और ड्रिंक की हुई है और साड़ी पहनी हुई यूज कर रही है। I think वो ज्यादा हो जाता है एकदम से। ठीक है, आप कर रहे हो, इफ द कैरेक्टर डिमांड्स इट, यू नो द रिक्वायरमेंट हो कैरेक्टर की तो आप कर सकते हो, लेकिन वैसा ही कैरेक्टर हर बार करना यू कांट डू इट। लेकिन अब माही अपने यूजुअल अवतार से हटकर एक ग्लैमरस रोल कर रही हैं एंड शी होप्स दैट ऑडियंस इस अवतार में भी उन्हें पसंद करेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ रूरल कैरेक्टर्स ही कर सकती हूँ या फिर मैं सिर्फ इंडियन कैरेक्टर्स ही कर सकती हूँ, दूसरा नहीं कर सकती। लेकिन अभी एक फिल्म आ रही है मेरी, तो उसमें देखते हैं कि कितना लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं जिसमें ग्लैमरस लुक है कम्प्लीटली। ऐश्वर्या राय काफी समय बाद किसी ब्रांड के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिसेंटली नजर आई थे और ये प्रमोशनल इवेंट रखा गया था एक रियल एस्टेट ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। लेकिन जूम को खबर मिली है कि इस रियल एस्टेट ब्रांड ने ऐश्वर्या से पहले कटरीना कैफ को अप्रोच किया था और कैफ भी इस बड़ी ब्रांड को पाकर काफी खुश थे। लेकिन सोर्सेज की माने तो ऐश को ये ब्रांड इतना ज्यादा पसंद आ गया कि उन्होंने इस ब्रांड को पाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया और आखिरकार उन्होंने कटरीना को इस एंडोर्समेंट में रिप्लेस कर दिया। वेल, बच्चन बहू एक बार जिस चीज को पाने की ठान लेती है तो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड और आईएमबी मिनिस्ट्री के खिलाफ एक नोटिस जारी करते हुए उनसे पूछा है कि उन्होंने ए सर्टिफाइड फिल्म्स को टेलीविजन पर स्क्रीन कैसे कर दिया। दरअसल रिसेंटली दिल्ली कोर्ट में एक पब्लिक पेटिशन फाइल की गई है जिसमें सेंसर बोर्ड पर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म्स को बस कुछ सीन्स काटने के बाद टेलीविजन पर स्क्रीन करने का ऑर्डर पास कर दिया था। ऐसे में कोर्ट सेंसर बोर्ड से जानना चाहती है कि ए लिस्टेड फिल्म्स को टेलीविजन पर दिखाए जाने का पैमाना उन्होंने क्या डिसाइड किया है।